गाइस व्हाट अ व्यू। मारो यार, अपनी सेफ्टी है। 10 दिन तक उठे रहेंगे, सिर्फ चाय होनी चाहिए। कैसे लग रहा है ये गीला? या हमको लग रहा है ठंडा होगा ना? अरे ये तो पूरा गीला लग रहा है। नहीं ठंडा होगा, हमको लग रहा है ठंडा हो गया। बैग में रख रखे गाइस, मैं तो हेलमेट उतार दिया है क्योंकि थोड़ी सर भारी भारी सा लग रहा था थोड़ी देर। ठंडो रे ठंडो। रोहित भाई जरा हाथ क्यों कांप रहे हैं? ओ भाई ठंडा यार, कांपेंगे नहीं का। शेरू शेरू शेरू। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कद्दू खाल में। भाई हाथ कांप रहे हैं। भाई कांप रहे हैं बिल्कुल भाई। गाइस हाय, फिर वापस आ गया मैं कैमरा लेने। काड़ा भाषा का हुआ तेरे आंगने, तेरे आंगने, तेरे आंगने। रोड देखे, रोड टूटी हुई एकदम। ऑफ रोडिंग चल रही है कह सकते हैं आप एक तरीके से। ऑफ रोडिंग रोड कट रही है यहाँ से ना, कट रही है मतलब अभी ये नीचे रिजॉर्ट्स वगैरह होंगे। तो गाइस 2 मिनट का और ड्रिंक ब्रेक लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और अभी यहाँ से धनौल्टी 63 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, बोर्ड भी लिखा हुआ है तो उसके आसपास होगा क्योंकि बोर्ड भी बिल्कुल करेक्ट नहीं बताता। और जो पहाड़ों का किलोमीटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इतना याद रखना। तो अभी बिल्कुल सही है, अभी तक तो कुछ धोखा नहीं दिया इसने, स्कूटी ने। एक्सेस 125 cc है, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बट अच्छी है पहाड़ों के लिए अभी तक, ठीक है। चले टूरी झील 93 चंबा 72 कोकलियाल गांव। कोकलियाल गांव है गाइस। कोकलियाल गांव क्यों नहीं है फिर? कोकलियाल गांव भी और अच्छी है भाई। क्या नजारा है गाइस, व्हाट अ व्यू। तो गाइस हम बहुत ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा, और वहां दिख रहा है पूरा का पूरा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहीं से दिख रहा है। तो हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर, और अभी शायद यहाँ से 40-45 किलोमीटर और होगा धनौल्टी, ठीक है। अभी यहाँ से आप एक लुक देखिए, 360 व्यू दिखाऊंगा आपको, बहुत तगड़ा है, मतलब मज़ा आ गया। है ना गजब, और मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं टी ब्रेक के लिए, जो हमने लिया था एक देहरादून में, जो कि वहाँ पे है, यहीं से दिखाई दे रहा है हमें। और अभी एक यहाँ पे लिया है, जगह का नाम मैं भैया से पूछता हूँ क्या है। भैया जगह का नाम क्या है जहाँ पे अभी हमें? नारायण गाँव। और यहाँ से धनौल्टी कितना दूर होगा? 45। हम थोड़ा आराम से चला रहे हैं, और मैंने देखा कि जो शार्प टर्न्स है उसमें जो लोग हैं वो बिल्कुल भी हॉर्न नहीं मार रहे, तो मतलब लापरवाही से चला रहे हैं। कई लोगों ने हेलमेट तक नहीं पहना। रोहित भाई उन लोगों को देख के घबरा भी जा रहे हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है। क्यों भाई कैसा लग रहा था जब वो लोग हॉर्न नहीं मार रहे? और फिर मार रहे एकदम से मुंह पे आ रहे हैं एंकर। यार मारो यार, अपनी सेफ्टी है। मारो नहीं हॉर्न मारो। हाँ, मतलब हॉर्न मारो, अपनी सेफ्टी है यार, सेफ्टी से बढ़ के थोड़ी कुछ है। ओ रियल फ्रूट जूस दिख रहा गाइस, एनर्जी ड्रिंक। मगर हमारी तो चाय है, एनर्जी ड्रिंक। हम पहाड़ी लोगों की चाय एनर्जी ड्रिंक है, ये सब चोंच लें बाकी चीजें। चाय पिला दो, दिन भर उठे रहेंगे, रात भर उठे रहेंगे, 10 दिन तक उठे रहेंगे, सिर्फ चाय होनी चाहिए। फोटो खींच रहे हो ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो गाइस हमारी चाय आ चुकी है, पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में चाय का मज़ा ही कुछ और है। तो एक एक ग्लास चाय, मस्त कड़क चाय, मीठी होगी ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। कसम से इस जैकेट ने बहुत साथ दिया मेरा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने एक इनर पहना हुआ है और ये जो मफलर है भाई का है। तो थैंक्स टू दीपक जो मुझे तिब्बत मार्केट लेके गए थे, अलका, मामा और अक्की भाई भी हमारे साथ में था, और मैं खुद, सबको शुक्रिया, वरना ठंड से मैं मर जाता, भयंकर इतनी ठंड हो रही थी। अभी तो फिलहाल नहीं हो रही, अभी तो कुछ ठंड नहीं है यहाँ पे, क्या पता ऊपर की साइड हो,
तो और देखते हैं प्लान, उसके बाद शायद मसूरी होते हुए जाएंगे हम लोग, क्योंकि ये रूट काफ़ी ज़्यादा हमें लंबा पड़ रहा है, इसलिए तो मसूरी का जो रूट है देहरादून के लिए बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये वाला रूट काफ़ी ज़्यादा है और पेट्रोल बचेगा, मेन है पेट्रोल मतलब पैसा, और पैसा मतलब थोड़ा इंजॉयमेंट ज़्यादा। तो गाइज यहाँ से जो लास्ट वाला पहाड़ आपको दिख रहा है ना, जिसमें चार घर दिखाई दे रहे होंगे, शायद आपको ना दिखाई दे, हमें वहीं पर जाना है, वही है धनौल्टी। लेट्स गो। इसमें किलोमीटर बहुत ज़्यादा गलत दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत दिखा रहा है, कभी 40,000 दिखा रहा है, कभी 38,000 दिखा रहा है, कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है। फ्यूल मीटर कभी 3 दिखा रहा है डंडी, कभी 2 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है, कभी 3 आ जा रहा है वापस से, ये कटर 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 कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहा है थोड़ा बहुत, बट ठीक है चल जाएगा। तो गाइस अब रोड अच्छी आ चुकी है, पानी रे टंकियो भाई रमा, पानी रे टंकियो बेगमा, बांकियो भाई रमा बेगमा, बांकियो बुरा लगा तेरा के पानी पियो ना, बुरा लगा तेरा के पानी पियो ना, रोटी कुछ भी आई ना। ठंड भी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर होगा 3 डिग्री होगा ना, 3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। ओ साथी, ओ साथी तेरी सेठी पतरी आई ना, ओ साथी, ओ साथी तेरी सेठी पतरी आई ना, चंबावार की नदियां पारा ओ लाल रंगी है, चंबावार की नदियां पारा ओ लाल रंगी है, शिवजी का भगवान सची फूल फूल्या छना, हा फूल फूल्या छना, हा फूल फूल्या छना, बल रेशमी रुमाल न भवरा केले भवरा केले भवरा केले। बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड। तो गाइज यहाँ से धनौल्टी सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी भाई को थोड़ी ठंड लग रही थी, यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक है क्योंकि धूप है, वरना हाथ देखो जम रहे थे बिल्कुल बीच में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा पाल पड़ा था, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में कि ओस पड़ी हुई थी, और बीच बीच में जो ऐसी दीवारें थी उनमें हल्की हल्की बर्फ़ की जो लेयर नहीं होती पतली सी वो दिख रही थी हमें, लेकिन धनौल्टी में मैंने सुना कि बिल्कुल बर्फ़ नहीं पड़ रही, बट जो वेदर फोरकास्ट है उन्होंने बताया था कि बर्फ़ गिर रही है, बट लेट्स सी, जो भी है बर्फ़ दिख जाती है तो अच्छी बात है, नहीं दिखती तो कोई बात नहीं। तो भाई अब अपनी दूसरी जैकेट लेके चल रहा है, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है फिलहाल क्योंकि एक ही काफ़ी है, तो भाई दूसरी जैकेट पहनेगा, अपनी मोटी वाली जैकेट पहनेगा, और मैं ऐसे ही फिट हूँ, बस जो ठंड लग रही है थोड़ी बहुत हाथों में लग रही है। और रोड की बात मैं कहूँ, अभी तक जहाँ से हम लोग आए हैं यानी कि हरिद्वार से, क्या तुम ये जैकेट पहनेगा? अरे बढ़िया है, तू पहन दो। कैसा लग रहा है ये गीला? या हमको लग रहा है ठंडा होगा ना? अरे ये तो पूरा गीला लग रहा है। नहीं ठंडा होगा, हमको लग रहा है ठंडा हो गया, बैग में रख रहे गाइस, बैग में रख रहे कपड़े ठंडे हो गए, ऐसा लग रहा है गीला हो गया। बड़ी लग रही है, तो बड़ी नहीं है मेरी है, आ जाएगी, अज्जू भाई पे भी आ गई थी, बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लगेगा तू। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ रोड की फिलहाल, तो हरिद्वार से देहरादून तक रोड एक नंबर, जिसको कहते हैं ना मतलब बिल्कुल प्लेन रोड, मस्त मज़ेदार चिकनी रोड थी। उसके बाद देहरादून से बीच का रास्ता था जहाँ तक हमने चाय पी थी अभी थोड़ी देर पहले, जो जगह का नाम आई थिंक बताया था भैया ने, जो चाय पी रहे थे, जो चाय बना रहे थे, तो वहाँ तक तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, मतलब बहुत कच्चा पच्चा रास्ता, गड्ढे गड्ढे थे बीच में, लेकिन वहाँ से अभी तक रास्ता बहुत अच्छा वर्क है, मस्त मज़ा आ रहा है, स्मार्ट लग रहा है। ये सब देख के मुझे अपने पौड़ी गढ़वाल की याद आ गई, ये सब देख के मुझे अपने गांव की याद आ गई, अपने हसीउड़ी की याद आ गई। गाइस मैं तो हेलमेट उतार दिया है क्योंकि थोड़ी सर भारी भारी सा लग रहा था थोड़ी देर, तो इसलिए मैंने हेलमेट उतार दिया, थोड़ा हवा ले लो एकदम नेचुरल हवा। और गाइस अभी हम निकल चुके हैं धनौल्टी के लिए, रास्ता काफ़ी अच्छा है, अभी मस्त नज़ारा है। ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ की हवा, ठंडी पानी ठंडो, ओ जय हो। बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है इधर पे, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग, बड़े बड़े गड्ढे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हो गया पैच बड़ा बड़ा,
और तकरीबन 3-4 किलोमीटर ऐसा ही है अभी, आगे देखते कैसा होगा। यहाँ पे दिक्कत हो रही चलाने में थोड़ी बहुत बस। कौन सी जगह है बता दी? ये है मझगांव। तो गाइस ब्रेक ले लिया फिर 5 मिनट का। और क्या खा रहे हैं लंच में भाई? अच्छे में क्या चल रहा है हमारा? हमारा चल रहा है भाई टुकटुके, कुरकुरे चल रहे हैं गाइस लंच में। देखो तुरतुरे चल रहे हैं, तुरतुरे। थोड़ा मुंह अजीब सा हो रहा था, थोड़ा टेस्ट ले लेते। बाकी बाल वाल में मत जाना, बाल वाल खराब हो गए। कैसा लग रहा है फिर? बढ़िया लग रहा है, सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर और है। साला रोड पे गलत साइन दे रखे हैं, गलत जगह दे रखी है, गलत किलोमीटर दे रखे हैं। रोहित भाई जरा हाथ क्यों कांप रहे हैं? ओ भाई ठंडा यार, कांपेंगे नहीं का, तुम पूरे क्यों कांप रहे हो भाई? मैंने कहा गौरव तिवारी को बहुत युवा रहता साढ़ा जो पूरी रोड खराब पड़ी हुई है। वैसे जिस एरिया के अंदर अभी हमें, ये भी धनौल्टी के अंदर ही आता है। तो गाइस कुरकुरे का ब्रेक भी हो गया, हमें नहीं मालूम था कि धनौल्टी इतना दूर पड़ेगा भयंकर। और मैप में भी गलत दिखाया हमें, मैप में सिर्फ 30 किलोमीटर दिखाया था और जब हम साइन देखे बोर्ड में तो बोर्ड में 70 किलोमीटर दिखाया, कहीं पे 80 किलोमीटर दिखाया, कहीं पे 40 दिखाया, और अब पता चल रहा है कि 25 किलोमीटर और बाकी है। इतना ही लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में, एक बजने वाला है अभी। पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ, यानी कि धनौल्टी की तरफ। घर की नहीं, घर तो है ही नहीं यहाँ पे, ले सकते हैं अगर शेयर करोगे तो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ से सिर्फ 15-16 किलोमीटर और बाकी है एग्जैक्ट वाला धनौल्टी। ये भी हम धनौल्टी में हैं, लेट्स गो। होपफुली हम कद्दू खाल में रुकेंगे, पहले खाना खाएंगे। कद्दू तो नहीं मगर, कद्दू नहीं खाएंगे मगर, क्योंकि बहुत तेज भूख लगने लगी। बहुत ठंड है, बहुत ठंड बहुत है, हाथ जम रहे हैं। ये दिख रहा होगा आपको उस पहाड़ पे, पूरे बादल टच हो रहे उस पहाड़ पे, शायद ही दिख रहा होगा। सूर्य यहाँ से 39 किलोमीटर, धनौल्टी सिर्फ 13 किलोमीटर। तो शायद बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा, हाथ देख के आप पूरे लाल हो गए, पूरे लाल दिख रहे, पूरे लाल हो गए हाथ, बहुत ज्यादा ठंड है। फूल भूला जना, हाँ फूल भूला जना, बल रेशमी रुमाल ना भवरा अकेले, भवरा अकेले, भवरा अकेले। उड़ने डुए गया रे जेता की चेतवाला, उड़ने डुए गया रे जेता की चेतवाला, उड़ने डुए गया रे जेता की चेतवाला, फोन भी नहीं चल रहा मेरे से, तो फोन भी नहीं चल रहा। ठंडा पानी नाडुएदा, ठंडा पानी नाडुएदा, संग संग चल रे, संग संग चल तो गए। जस्ट अभी हम ब्रेक लिया हमने, ये यहाँ पे हमको वैन दिखी, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं अभी थोड़ा बहुत और फिर चलते हैं। यहाँ से होगा 7 किलोमीटर ना, 7 किलोमीटर होगा। और ठंड की वजह से आप देखो कितने हो गए, लाल हो गए एकदम, बिल्कुल लाल गाइस, बहुत लाल हो चुके, देखो बहुत ज़्यादा लाल। और ये रिजॉर्ट्स वगैरह है और ये व्यू देखिए। तो भाई कैसा लगा? बढ़िया था, लग रहा है ठंड में थोड़ा बहुत, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे रुके थे वैन पे, क्या भैया फास्ट फूड में? भैया एग मैगी होगी, ऑमलेट होगा और बॉयल्ड अंडे होंगे। ओहो, तो भाई हमने यहाँ से क्यों नहीं लिया खाना? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नॉन वेज था, नॉन वेज मतलब जैसे कि अंडे वगैरह। कैंपिंग वगैरह भी होती है तो भैया की, कैंपिंग वगैरह है हिमालयन, हिमालय हॉलीडेज। तो ये आपका रिजॉर्ट है? ये रिजॉर्ट्स है इनके। तो क्या प्राइस है भैया? भैया 2500। 2500 क्या क्या फैसिलिटी इसमें? इसमें बॉम फायर है, म्यूजिक है, हीटर है और रूम सर्विस है। अच्छा, और कितने बंदे अलाउड? 2 से 3 रह सकते हैं। 2 से 3 रह सकते हैं। तो यहाँ पे है भैया, अपना नंबर बता दो किसी को आना तो आ सकते। हाँ नंबर बता दो, 9068465114। तो ये भैया का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
तो ये एरिया क्या है, मतलब कद्दूखाल का है? कद्दूखाल का एरिया है ये, ऊपर माता का मंदिर है, ऊपर आगे से दिखेगा आपको। अच्छा, ऊपर कौन सा माता का मंदिर था? सुरकंडा माता। सुरकंडा माता इधर ही से रास्ता। कितने किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। हाँ जी। रास्ता कहाँ गया सुरकंडा? वही आगे से सर, गेट है वहाँ से, और घोड़े घोड़े भी हैं ऊपर, अगर कोई पैदल ना चल पाए तो घोड़े की व्यवस्था भी वहाँ पे। फिर ट्रॉली भी चालू होने वाली है कुछ दिन बाद। ओके। और बर्फ वगैरह कब पड़ेगी? देखो सर, मौसम तो फुल बन रखा, आज भी पड़ सकती है, रात को भी पड़ सकती है, सुबह भी पड़ सकती है, क्योंकि दिखा रखा है ना -3 तो पड़ सकती है। बहुत ठंड लग रही है। जल्दी जल्दी हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारिश वारिश बर्फ वर्फ पड़ेगी तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। उनको कह रहा था कि मत जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड होगी और बहुत दूर है, इससे बढ़िया हम हरिद्वार में। तो गाइज हम यहाँ पे रुके थे, बट यहाँ पे तो सारा नॉन वेज है तो हमने इसलिए लिया नहीं है। वही कैमरा हिल रहा है गाइज, देख रहे ना ठंड कितनी है। तो अब हम यहाँ से चल चुके हैं और कुछ ही किलोमीटर पे कोई मार्केट है, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। यही है कुछ किलोमीटर नहीं, यही है। कद्दूखाल पहुँच चुके गाइज, कद्दूखाल। इसकी बहुत हवा थी नीचे, देहरादून से बहुत हवा थी इसकी। तो गाइस अब हम कद्दूखाल पहुंच चुके हैं और यहां से व्यू दिखाता हूं, कितनी ऊपर आ चुके हम, देखना। ओहो, शेरू शेरू शेरू, ये हमारे उत्तराखंड का भोट्या बोलते हैं इसको, भोट्या है कुत्ता ही। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कद्दूखाल में, और काफ़ी हवा थी इसकी, हवा इसलिए थी हाथ में कब अपने भाई, ठंड है ठंड। तो कद्दूखाल की बहुत ज़्यादा हवा थी, मतलब हर जगह कद्दूखाल कद्दूखाल, धनौल्टी कहीं दिखाई नहीं रहा था। फाइनली हम पहुँच चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इधर नहीं लग रही, कैमरा हिलता हुआ दिखी जाएगा, बस हाथ में लग रही है। और व्यू देखो कितना हाइट में हम, कितनी हाइट में हम लोग, नीचे देखने में डर लग रहा है, हमें जुबानी भी लड़खड़ा रही है, हमारी जुबानी लड़खड़ा रही है, और देखो धुंध लग रही है। भाई -3 डिग्री पहुँच जाएगा, ये मेरी लाइफ का सबसे ठंडा एक्सपीरियंस है आज तक, जो मैंने नोटिस किया था या फिर फील किया था, वो था 6 या 7 डिग्री अपने गांव में, बट ये सबसे ज़्यादा ठंडा है, 2 डिग्री अभी अभी यहाँ पर रखा है, और धनौल्टी में 1 डिग्री हो जाएगा और रात को -2 चले जाएगा। बट हम रात को रुकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत महंगा उड़ जाएगा। महंगा नहीं, फायदा भी नहीं है। हाँ। भाई हाथ कांप रहे हैं, भाई कांप रहे हैं बिल्कुल भाई।